One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. जी मेरा किरदार है शाहनवाज खान और मुझे शाहनवाज खान बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी क्योंकि ये एक ऐसे कैरेक्टर थे जो पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे और फिर उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन की. लेकिन जब उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन की उन्होंने ये जानते हुए ज्वाइन की कि उनके अभी 80 जो रिश्तेदार हैं वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में हैं, उनका जो भाई है वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में है, तो एक ऐसा समय आ सकता है कि उनको अपने भाई के साथ लड़ाई करनी पड़े, अपने रिश्तेदारों के साथ लड़ाई करनी पड़े, गोली चलानी पड़े उनके ऊपर. लेकिन वो करने को तैयार थे और मुझे ये बहुत बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है आज के ज़माने में जब आप ऐसी चीज़ें देखें, क्योंकि आज हम ऐसी सोसाइटी में जीते हैं जहाँ पर हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि मुझे क्या फ़ायदा होगा ये करने से, मैं क्यों करूं अगर मैं मुझे कुछ नहीं मिल रहा. लेकिन वो एक ऐसा ज़माना था जब वो लोग देश के बारे में सोचते थे, कॉज क्या है उसके बारे में सोचते थे और उसके लिए अपनी जान देने को तैयार थे, और अगर भाई या रिश्तेदार की जान लेनी है तो वो भी लेने को तैयार थे. तो बहुत ही एक बहुत ही मुझे लगता है उस ज़माने में लोगों की सोच अलग थी. लेकिन हैविंग सेड दैट, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका जिसमें बहुत मज़ा आया मुझे प्ले करके, क्योंकि कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज है जो मेरी बॉडी लैंग्वेज से बहुत अलग थी, एक्सेंट जो था मेरे एक्सेंट से बहुत अलग है, तो उसके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ी. और मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत बड़ा ऑनर है ये कि हम एक ऐसी पिक्चर का हिस्सा है इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं. लेकिन अगर आप अंग्रेज़ी जो एडमिनिस्ट्रेशन है या अंग्रेज़ी इंटेलिजेंस है उनका रिसर्च पढ़ें तो आपको समझ आएगा कि जो पार्ट इन्होंने प्ले किया था हमारी फ्रीडम में वो इतना इम्पोर्टेंट पार्ट शायद किसी और ने प्ले नहीं किया हो. नेशनल आर्मी ने जितना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया था, तो ऐसी पिक्चर का हिस्सा होना और ऐसी पिक्चर को दर्शकों तक लाना और ऐसी कहानी को दर्शकों तक लाना हमारे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है. जी मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तैयारी हमें करनी पड़ी मानसिकता की. तिग्मांशु सर हमेशा कहते हैं और सही कहते हैं कि हम एक ऐसे ज़माने में रहते हैं जहाँ वो एक ऐसा ज़माना था जहाँ पर लोगों की शक्लों पे शराफत झलकती थी. अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की फ़ोटोग्राफ देखें या अपने पेरेंट्स की फ़ोटोग्राफ देखें, एक शराफत थी. आजकल हम में थोड़ी करप्शन आ चुकी है, तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी था कि हम उस शराफत को अपने अंदर पैदा करें. वो ज़माना ऐसा था जब लोग आइडियलिज्म की बातें करते थे, इंटेग्रिटी की बातें करते थे, और वो बहुत बड़ी बातें थी, वैल्यू करते थे उन चीज़ों को. आजकल ऐसा ज़माना हो गया कि अगर आप ऑनेस्टी की बात करें तो लोग बोलेंगे आप पीछे रह जाएंगे. तो वो मानसिकता को समझना बहुत ज़रूरी था. और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि उस ज़माने में लोग देश के बारे में बहुत सोचते थे, कॉज के बारे में बहुत सोचते थे, बल्कि मतलब जब इंडियन नेशनल आर्मी बन रही थी तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने मंगलसूत्र उतार के दे दिए थे कि आप हमारी जो ज्वेलरी है उसका इस्तेमाल कीजिए ताकि आप ये लड़ाई लड़ सकें. तो वो सोच को समझना मुझे लगता है हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और उसमें बहुत प्रेपरेशन गया. दूसरा, जैसे मैंने कहा कि मुझे मौका मिला उनके ग्रैंडसन को मिलने का, शाहनवाज के. उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें दिखाई मुझे फैमिली एल्बम से, बहुत सारी कहानियाँ बताई उनके बारे में. तो उन कहानियों और तस्वीरों से मुझे उनको समझने का मौका मिला.